हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग टेस्ट नंबर 7 कर रहे थे, है ना, और 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज 61 से 90 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आइए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। 61 क्वेश्चन देखिए, 61 में इन्होंने लिखा है कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से जोड़ना है आपको। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के संबंध में हम लोग को बताना है। ठीक, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं है क्या। देखो, सरकार कह रही है कि हम आपको इंसेंटिव देंगे। किसको देंगे? जो प्रोड्यूस करते हैं सामान को, यानी कारखानों को, फैक्ट्री वालों को, ठीक है, मालिकों को, यानी जो इन्वेस्टर हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक, यानी ये जो स्कीम है वो प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा आपको। ठीक है, प्रोडक्शन से लिंक्ड है ये, ना कि आपकी इनिशियल कैपिटल से। आप कितना पैसा लगा रहे हैं इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अपने कारखाने में, अपनी कंपनी में आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं उसके आधार पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब आपको पता है कि इस योजना को हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ना है, यानी आत्मनिर्भर भारत में हो क्या रहा है, सब कुछ अब इंडिया में बनेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बाहर के लोगों से कि आप आइए, ग्लोबल इन्वेस्टर जो होते हैं आप बाहर से आइए और इंडिया में बनाइए, जो कुछ बनाना है इंडिया में बनाइए, हम आपको सब दे रहे हैं, आपको ज़मीन दे रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, सारे रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो हम आपको लूज़ कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं। यानी हो क्या रहा है, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करने के लिए काम हो रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आइए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब इंसेंटिव भी मिलेगा। आप प्रोडक्शन करेंगे, आपको लॉस होने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि सरकार आपको इंसेंटिव दे रही है। तो इस स्कीम से बाहर के लोग तो अट्रैक्ट होंगे, साथ साथ में डोमेस्टिक लोग भी होंगे इससे अट्रैक्ट। ठीक है, यानी ये ग्लोबल प्लेयर भी इसमें भाग लेंगे और डोमेस्टिक तो लेंगे ही लेंगे। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा इससे क्या होगा कि हम लोगों को, गवर्नमेंट का या हम लोगों का टारगेट क्या है कि इम्पोर्ट को कम से कम करना है। हम लोग क्यों आयात पर इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं, तो यानी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम से कम करना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट को हम लोगों को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, प्रॉफिट हो सके। ठीक है, और ये लोग जो आएंगे ग्लोबल प्लेयर बाहर से आएंगे तो यहाँ पर कारखाने, कंपनी डालेंगे, तो यहाँ से रोज़गार भी तो मिलेंगे ना यहाँ के लोगों को। यानी हम लोगों को ग्लोबली कॉम्पीट करना है एक्सपोर्ट में। ठीक है, एक्सपोर्ट को हम लोगों को बहुत बढ़ाना है, सब कुछ इंडिया में बनेगा। यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम लोगों को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सार यही है। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करें। अब देखो बहुत तेज़ी से आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, जहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वहाँ पर मिटा दे रहे, बाकी लिखा रहने देते हैं। अब पहला पॉइंट बढ़िया, योजना के तहत, यहाँ पर भी मैं इंग्लिश में भी मिटा दे रहा हूँ, योजना के तहत उत्पादकों यानी जो प्रोड्यूसर हैं, कंपनी वाले हैं, कारखाने वाले हैं, द्वारा किए गए प्रारंभिक पूंजी निवेश के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। हमने आपको बताया कि जो इंसेंटिव मिल रहे हैं वो प्रोडक्शन के बेस्ड पे मिल रहे हैं, ना कि इनिशियल कैपिटल के। आप कितना पैसा लगाते हैं इससे मतलब नहीं है, आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं तब उसके आधार पर इंसेंटिव स्कीम है ये। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी निवेश लगा है, यानी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखा है, इसके आधार पर ये बोल रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़िए, यह केवल भारतीय कंपनियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती। नहीं, आपने अभी क्या पढ़ा है, आपने अभी क्या पढ़ा, ग्लोबली ग्लोबल प्लेयर्स भी भाग लेंगे इसमें और डोमेस्टिक तो लेंगे ही, जो यहाँ के अपने घरेलू हैं, घर के हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट सेक्टर में इस योजना के तहत सबसे बड़ा परिवहन, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसे 8-10 क्षेत्र हैं जहाँ पर PLI स्कीम को अभी लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ये पहले भी अलग से योजना निकली थी, ठीक है, अब उसको एक्सटेंड कर दिया और सेक्टर में एक्सटेंड कर दिया, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ गया, ये देखिए इस इमेज को देखिए, आपको ये सेक्टर याद रखना है, ये 10 सेक्टर दिख रहे हैं, ये PLI स्कीम है। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर 10 सेक्टर, ये और भी एक्सटेंड हो जाएंगे, मतलब ये फिक्स नहीं है 10 सेक्टर, और भी और एक्सटेंड हो जाएंगे। नहीं, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टेक्सटाइल दिख रहा होगा, टेलीकॉम नेटवर्किंग दिख रहा है, फार्मास्यूटिकल्स दिख रहा है, मतलब लगभग सारी चीज़ दिख रही है। ऑटोमोबाइल्स जो तीसरा पॉइंट लिखा था वो भी दिख रहा है आपको, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कॉम्पोनेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इसके लिए तो पहले भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कौन कौन सा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उद्योग वाला जो सेक्टर है, वो सब तो आपको पता ही है ना कि क्या क्या बनता है, कपड़े बन रहे हैं, दवाई बन रही है, गाड़ियाँ बन रही हैं ना, मोबाइल बन रहा है, यही सब तो सेक्टर है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलें, तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा अब आराम से। तो
तो तीसरा पॉइंट ठीक है, बाकी सब गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पॉइंट नंबर तीसरा सही है। ठीक है, चलिए 62 देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, LPI। ये क्या है? लॉजिस्टिक तो समझते हैं ना, लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस होता है, सप्लाई करने का जो बिजनेस है, डिलीवरी गुड्स को डिलीवर करने का जो बिजनेस है, यानी परिवहन से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब परिवहन और आपूर्ति का जो व्यवसाय है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। ठीक, तो उसमें बताना है कि अभी क्या स्थिति रही है। स्थिति तो नहीं पूछा है, ये पूछा है कि लॉन्च कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, रिलीज कौन करता है। इसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। एक रिपोर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, नाम बताइए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। याद है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी याद रखना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 63 पे आइए, 63 बोल रहा है, इसको पढ़िए, समेकित ऋण शोधन निधि, यानी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। सिंक का मतलब समझते हैं, सिंक का मतलब होता है कम करना। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, कम करना। फंड का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, कार्बन सिंक से, जो कार्बन सिंक में जो सिंक का काम रहता है, उसी तरह का इसका भी काम समझिए। ठीक, तो इसको हम CSF लिख दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में CSF, सॉरी CSF, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। इस फंड को जो गवर्न करता है या फिर मैनेज करता है, वो RBI करता है। पहली चीज़ RBI करता है। ये जो फैसिलिटी है, ये जो सुविधा है, RBI किसको दे रही है? ये राज्य सरकार को दे रही है। ये फैसिलिटी है किस तरह की? राज्यों का जो लोन बर्डन है, लोन बर्डन वो कम से कम हो, लोन बर्डन मैं यहाँ पे लिख दूँ, लोन बर्डन कम से कम हो। ठीक है, तो याद रखना, ये किससे संबंधित है? राज्यों को अपना ऋण चुकाने में सक्षम बनाना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए 64 देखिए, 64 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन भूमि बैंक प्रणाली का प्रभाव हो सकता है? ये भूमि बैंक सिस्टम क्या है? भूमि बैंक सिस्टम, इसमें जो बैंक शब्द लिखा है ना, उसको ऐसा जो नॉर्मल बैंक हो रहे हैं, जो जो होते हैं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जो PSU बैंक होते हैं, ऐसे ऐसे बैंकों से डिफरेंट इसको समझना आप लोग। मतलब इस बैंक में पैसा जमा करना, निकालना, ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बैंक का मतलब आप डेटाबेस से समझना, डेटाबेस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डेटाबेस। ये डेटाबेस किस चीज़ का है? ये ज़मीन का डेटाबेस है। ठीक, ये ज़मीन किस तरह की? इंडस्ट्रियल यूज़ वाली, ध्यान से देखना सारे शब्द, इंडस्ट्रियल यूज़ वाली, यानी सारे राज्यों की जो इंडस्ट्रियल यूज़ वाली जो ज़मीन है, इसका सारा रिकॉर्ड, इसका सारा डेटाबेस इसमें, इस भूमि बैंक सिस्टम में रहेगा, या इस बैंक में रहेगा, भूमि बैंक में रहेगा। क्लियर? इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा किसको है? आपको है। कल को आप किसी कंपनी के मालिक बनेंगे तो आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी ना, ख़रीदने के लिए, कारखाना स्थापित करने के लिए ज़मीन चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा भूमि बैंक पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे किस राज्य में कहाँ पर कौन सी ज़मीन बिकाऊ है, कौन सी ज़मीन इंडस्ट्रियल यूज़ वाली है, फिर आप गवर्नमेंट को संपर्क करेंगे और इस ज़मीन को परचेज करेंगे, फिर आप अपना कारखाना डालेंगे। ठीक है, फिर आप प्रोडक्शन करेंगे और फिर बेचेंगे सामान को, है ना। तो ये उस तरह का बैंक है। ठीक है, डेटाबेस का है, ये ज़मीन का डेटाबेस है एक्चुअली, यानी हमको आपको निवेश करने में आसानी हो जाएगी, ज़मीन को खोजने में आसानी हो जाएगी, थर्ड पार्टी का यूज नहीं करना पड़ेगा, बिचौलियों का यूज नहीं करना पड़ेगा, तो 20% वही ले जाएगा ज़मीन का। तो एक प्रकार से ये क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट को ईज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा आंसर इसका सही हो गया? निवेश प्रक्रिया का सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। क्लियर है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ें, 65 देखिए, ओवरा जो है वो ये मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, नदी से मैच कराना है कि किस नदी पे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो समझते होंगे ना, पानी गिराते हैं। ठीक है, पानी टर्बाइन पे गिराते हैं, टर्बाइन ये इसकी जो टर्बाइन की शाफ्ट है वो जनरेटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, जनरेटर चलता है तो बिजली बनती है। ठीक है, ये फिर ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफर हो जाती है। तो ओवरा जो है वो सोनभद्र स्टेट में है। ठीक है, किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नाम से रिवर भी है और रिहंद नाम से एक डैम भी है। माता टीला बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर एक और डैम है बहुत फेमस, राजघाट। ठीक है, माता टीला और राजघाट जो है वो ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में, किसका? UP और MP का ज्वाइंट वेंचर है, इन दो बांधों में, माता टीला में और राजघाट में। खारा जो है वो सहारनपुर में, सहारनपुर।
और सहारनपुर में कौन सी नदी बहती है? आशन नदी। और बेलका जो है वो भी सहारनपुर में है और ये यमुना नदी पे है। ठीक है, मैच कर लेंगे अब, यानी 3, 1, 2 और 4, 31, 24 इसका कोड है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ये रेहन डैम को आप देख लीजिए, थोड़ा रेहन डैम को देख लीजिए, ये देखो ये देख रहा रेहन रिजर्वायर, ये रेहन डैम है, ये रिजर्वायर है यानी डैम है। और ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, मैं बड़ा कर दूँ इसको, ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रही है ये सोनभद्र का है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का मैप है। और इसी से फिर आगे रेहन नदी दिख रही होगी आपको। ये रेहन नदी जो है वो किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। ठीक है, सोन नदी दिख रही है, सोन नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वायदा बाजार आयोग यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब देखो ये तो मर्ज हो गया, ये तो सेबी में मर्ज हो गया था। 2000 कब हुआ था बताइए? ये 2015 में सेबी में मर्ज हो गया था। अब फॉरवर्ड मार्केट से समझ रहे होंगे, फॉरवर्ड मार्केट यानी फॉरवर्ड यानी फ्यूचर का मार्केट जो है वो जो मैनेज करते हैं ये कमीशन करता है। अब आप स्टॉक मार्केट वगैरह जब थोड़ा सा सीखेंगे तब समझ में आएगा ये कमोडिटी फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन फ्यूचर क्या होता है, और उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेल जो डील करता था ये कमोडिटी फ्यूचर से करता था, कमोडिटी फ्यूचर से। ठीक है, यानी वस्तु बाजार से। आंसर क्या हो गया? सी। इसका हेडक्वार्टर यदि जानना चाहेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, मुंबई। आगे का देखिए 67, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी आपने देखा था वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, और एक और कौन सा कर रहा था, कौन सा क्वेश्चन था? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI, याद आ रहा? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। यहाँ पे IMF लिखा, यानी गलत हो गया ये। दूसरा पॉइंट पढ़िए, 2020 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसमें सुधार की ये बात कर रहे हैं, यानी मतलब हम लोग को पता होना चाहिए कि 2019 में क्या रैंकिंग थी इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और 2020 में क्या रैंकिंग थी। तो 2020 में जो रैंकिंग है वो है 63। ठीक है, और 2019 में जो है वो 77 थी, 77, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 14 स्थान का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये पॉइंट नंबर 2 में भी ये लिख रहे हैं कि 2020 में सुधार किया गया, सुधार हम लोगों ने देख लिया 14 अंक का। तो ये पॉइंट ठीक है, यानी पहला गलत है दूसरा सही है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए 68 देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, देखो याद करना है, ये रटने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को मैच कराना, ये कहाँ पर हैं? पहला ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, यानी यूपी का, ये कानपुर में है, बनारस में नहीं है, ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में, तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा जो है प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, देखो इसको ऐसे तो याद नहीं होने वाले, बार बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी तीनों मैच हैं, ठीक, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कानपुर में, यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन आगरा में। ठीक है, और ये बी ऑप्शन भी मैच है, तो याद रखना, एक बार थोड़ा सा पॉज करके ध्यान से चिंतन कर लेना तो शायद कुछ हो जाए याद। चलिए 69 करते हैं हम लोग। 69 क्या बोल रहा है? देखो सेंसस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सेंसस से, देखो 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो 2021 तो आ ही गया है, अब कब नया सेंसस आ जाए पता नहीं, सारे डेटा सब चेंज होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 के हिसाब से बताना, तो जल्दी से देख लेते हैं, 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई? तो पहले तो ये बता देता हम लोगों की 2001 में थी कितनी, और 2011 में कितनी है, और 2021 में कितनी होने वाली है। तो अभी तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 137 करोड़ जनसंख्या लगभग हो गई है, 2020 में ही हो गई थी इतनी। 2011 का डेटा आपको मुँह जवानी याद होगा, 121 करोड़ हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना, 121 करोड़। और 2001 में जो थी पॉपुलेशन वो 103 करोड़ थी। ठीक है, 103 करोड़, यानी इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो लगभग लगभग 19 करोड़ का हो जा रहा है। 2001 से 2011 में जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको बोलते हैं 10 की वृद्धि, क्या बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, तो डिकेडल ग्रोथ 2001 से अगर 2011 के बीच में देखा जाए तो कितना है, 19 करोड़। ठीक है, और 2011 से 2021 में देखा जाए डिकेडल ग्रोथ तो आपको कितना दिख रहा है, कितने का फ़र्क दिख रहा है, लगभग 16 करोड़ का दिख रहा है ना।
तो ये तो अच्छा इंडिकेशन है कि हर 10 साल हर 10 साल की जो ग्रोथ है इसमें पॉपुलेशन कम आ रही है, तो यही तो घटाना है ताकि रीबैलेंस हो सके। तो ये जो डेटा मैंने बताया 2001 का, वो 103 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो ये जो आता है 19 ना आके 18 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 करोड़। 18 करोड़ का 10 साल का इंक्रीमेंट था, तो 18 करोड़ किस में लिखा, 181 मिलियन, मतलब 18 करोड़। देखो मिलियन जहाँ लिखा रहे ना, तो 10 से भाग दे दिया करो, करोड़ बन जाता है। जैसे 180 लिखा, 180 मिलियन लिखा, इसको करोड़ बनाना है, 10 से भाग दे दो तो 18 करोड़ बन गया, ठीक है। अगर इसको बिलियन बनाना है, बिलियन बिलियन बनाना है, तो 100 से गुणा कर दो तो ये बिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आ गया 18.1 करोड़ से अधिक, ठीक। चलिए 17वां देखिए, 17वां क्वेश्चन है, 1872 से अब तक जनगणना 2021 हो गई है, कौन से नंबर की ये पूछना चाह रहे हैं। 1872 में आपको पता है ये कौन किसका काल था, लॉर्ड मेयो साहब का काल था। मेयो साहब ने पहले जनगणना कराई थी 1872 में, और ये अब जो 2021 की जनगणना होगी वो कौन से नंबर की होगी। अभी जो 2011 की थी, 2011 की जो जनगणना नंबर था वो 15वीं थी, ठीक है। अब जो 2021 में होगा वो 16th रहेगी, 16वीं रहेगी, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 देखिए, 71 में आपको क्या है, मैचिंग कराना है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति और उनके प्रोफेशन से मैच कराना है। देखो आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें, मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम लोग को एक इंटेलिजेंट तुक्का लगाना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ये, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, हम लोग व्यवहार में ऐसा देखते हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। व्यवहार में क्या देखते हैं, ईश्वर सिंह जो देओल हैं, आप देखिए ये लेखक, लेखक की कैटेगरी में आ सकते हैं, नर्तक की कैटेगरी में आपको लग रहा है कि ये होंगे, जैसे देओल से हम लोगों को समझ में आता, और ये सरदार जी भी हैं तो मतलब बहुत पावरफुल, तगड़े तगड़े मोटे ताजे इंसान होंगे, नेता होंगे, बॉडी बिल्डर होंगे, एथलीट टाइप के होंगे, बॉक्सिंग चैम्पियन होंगे, या फिर आर्मी में जवान होंगे, इस तरह का मतलब नाम से शो हो रहा है थोड़ा, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं बस एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि हम जो देओल साहब हैं, जब ये मैं तब बता रहा हूँ जब कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन में, हमें कुछ भी नहीं आ रहा, हमारा माइंड जो है ब्लैंक है इस क्वेश्चन में, ब्लैंक है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन को करना है और पॉसिबल से ही करना है। तो ईश्वर सिंह देओल जो हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लेखक और नर्तक जो हैं हम डी से मैच ना कराएं, डी को हम 1 और 2 पे ना ले जाके 3 और 4 का तुक्का मारें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हम 1 और 2 को आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं, डी के 1 और 2 को रिजेक्ट कर सकते हैं, हम 3 पे चले जाएंगे। तो देखो 2 ऑप्शन में 3 है, यानी डी का हमें 3 मिल गया आंसर, ठीक है। मतलब आप ऐसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जब कुछ भी ना आता हो। चलो अब हम देख लेते हैं ठीक से, अब पढ़िए क्वेश्चन को। हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम लोग इमेजेस देखते हैं, ठीक है, इमेज से थोड़ा सा हम लोग को याद हो जाएगा। चलिए इमेज पहले चलते हैं आपको। पहला ऑप्शन क्या है, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, देखो ये हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, देखो ये अभी ये ख़त्म हो गई हैं, एक्सपायर कर गई हैं, तो ये न्यूज़ में थी। और ये क्या है, क्या लिखा है, ओडिसी डांसर लिखा है ना, यानी ये नर्तकी हैं, ठीक है, डांसर हैं, ये उनकी इमेज है, ये डांसर हैं, ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको क्या दिख रहे थे, और ऑप्शन में आपको सागर सरहदी भी दिख रहे थे, सागर सरहदी आप इमेज से पहचान सकते हैं, ये क्या है, इनका प्रोफेशन क्या है, ये क्या है, इंडियन शॉर्ट स्टोरी और प्ले राइटर, यानी ये राइटर हैं, ये लेखक हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए और ऑप्शन में क्या थे, और ये थे आपको ये जो मैं देओल साहब की जो बात कर रहा था, ईश्वर सिंह देओल जो हैं वो डाइज एट 91, इसलिए न्यूज़ में थे, ये भी ख़त्म हो गए। और ये क्या हैं, वेटरन इंडियन एथलीट, ठीक है, ये एथलीट थे। अब लग जाएगा ना आंसर, ठीक है। अब चलें वापस, चलें क्वेश्चन पर, चलिए वापस चलते हैं। अब जल्दी से फटाक से मिला दीजिए, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा आपने क्या देखा, ये डांसर देखा आपने, उड़ीसी डांसर हैं, ठीक है। सागर सरहदी साहब को क्या देखा आपने, लेखक देखा, प्ले राइटर देखा। ईश्वर सिंह देओल को क्या देखा आपने, एथलीट देखा, ठीक है। और ये जो हावेद बाकायोको जो हैं वो राजनेता हैं, यानी पॉलिटिशियन हैं। एक कंट्री है आइवरी डी कोस्ट, ठीक है, यहाँ की ये पीएम थे, ये भी अभी हाल ही में
एक्सपायर कर गए, इसलिए न्यूज़ में थे। तो आंसर मिल गया ना अब, तो ये मिला लेंगे। अब इसको मिला के टाइम वेस्ट क्या करना, हम लोगों ने यहाँ तो सीख लिया ना। चलिए 72 देखिए, भारत में कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति यानी इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। देखो आपको पता है इथेनॉल का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, किसमें, किसके लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, है ना, बायोफ्यूल, जैव ईंधन जो है, जैव ईंधन में मैं लिख दे रहा हूँ, जैव ईंधन के लिए ये जो इथेनॉल है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इथेनॉल बनाने के तो तरीके आप लोग जानते होंगे, डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन किस चीज़ का, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन समझ रहे हो ना, अवघटन, यानी फसलों को सड़ा के गला के जो बनाने का तरीका होता है उसे डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी आप मक्का से बना लो, गुड़ से बना लो, या फिर राइस से बना लो, क्रॉप से बना लो, तमाम तरह के क्रॉप्स हैं, ये भी क्रॉप्स ही हैं, इनको सड़ा के आप इथेनॉल बना सकते हैं, जिसका यूज कहाँ होता है, बायोफ्यूल बनाने में। और अभी पहला राज्य कौन सा बना, बिहार बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इथेनॉल बनाने की परमिशन ये है क्या एक्चुअली, देखो इसको ऐसे साधारण भाषा में समझ लीजिए कि इथेनॉल बनाने की जो परमिशन है वो बिहार गवर्नमेंट ने दे दी है अपने राज्य के लिए। अब वहाँ की राज्य, वहाँ का राज्य जो है वो इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, कैसे, ऐसे बनाएगा। चलिए आगे बढ़ें, 73 देखिए, 73 में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, PCS पूछता है, नंबर पूछता है, कौन से नंबर की ये CGI हैं। अभी जो CGI थे वो तो ऐसे बोबड़े थे, अब इनका तो रिटायरमेंट हो गया, अब नए जो CGI हैं वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना साहब हैं, वेंकट रमना साहब। और ये कौन से नंबर के हैं, ये 48 है, 48। अब तो ये बन ही गए, क्वेश्चन पुराना है इसलिए यहाँ पे लिखा है मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, अब तो हो चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन पहले प्रिंट हो गया होगा। तो अभी जो CGI है प्रेजेंट में वो कौन है, वेंकट रमना साहब, 48, ये याद रखना है, 48। तो बोबड़े साहब कौन से हो जाएंगे, 47, दोनों का याद रखना, पीछे का भी पूछ लेता है, PCS की माया बड़ी ख़तरनाक है। और अपने आयोग की, CGI को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट बताइए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करते हैं ना, किस आर्टिकल में लिखा है, 124 आर्टिकल में लिखा है, ठीक है, याद रखना, 124 आर्टिकल में, अनुच्छेद 124 में लिखा है। इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है CGI साहब की, 65 साल, ठीक है, 65 साल। अगर हम हाईकोर्ट के जज की बात करें, हाईकोर्ट के जज की बात करें तो रिटायरमेंट एज कितनी है, 62 साल। ये 3 साल कम क्यों कर दिया, ताकि 3 साल वो यहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके काम कर सकें, इसलिए वो 3 साल बचाए हाईकोर्ट में, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 74 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज यानी ह्यूज कंटेनर जो शिप है, ऐसा कौन सा कंटेनर शिप था जिसने अभी स्वेज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, यानी वो फंस गया था, ठीक है, वो जहाज फंस गया था। इसको पहले इमेज में दिखाता हूँ आपको, इसका इमेज देखिए, ये देख रही, ये स्वेज कैनाल का मैं थोड़ा सा फिगर यहाँ पे, ये देख रहा, ये जो जहाज दिख रहा, देखो ये फंस गया दोनों तरफ, यहाँ पे भी फंस गया, यहाँ पे फंस गया आगे की तरफ, मतलब इसके जो प्रोपेलर था वो मिट्टी में धस गया था, इसलिए फंस गया था। और ये शायद 1.5 से 2 महीने तक फंसा रहा, 1.5 से 2 महीने तक फंसा रहा, इतना भयंकर अवरुद्ध हो गया था। तो यहाँ पे बाकी जो जहाज आने वाले थे क्या है, वो जो ट्रैफिक पूरा भर गया था स्वेज कैनाल जहाज़ों से, क्योंकि पैसेज ही इन्होंने ब्लॉक कर लिया, और इतना बड़ा जहाज़ था, ये देखिए इसका साइज देखिए, ये है, इसका नाम क्या है, एवर गिवन, आपको नाम याद रखना है, इस जहाज़ का नाम क्या है, ये जो ये कंटेनर दिख रहा है ना, इनको जो जो माल वाहक होते हैं और माल में कंटेनर को सप्लाई करते हैं, डिलीवरी करते हैं, उनको कंटेनर शिप बोलते हैं, ठीक है। तो इस जहाज़ का, इस कंटेनर शिप का नाम याद रखोगे, एवर गिविन, ठीक है। स्वेज कैनाल से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, यहाँ से 2-3 फैक्ट और हम लोग निकाल लेंगे। ये आपको पता है ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ठीक। ये पोर्ट सही भी पूछता है कई बार, स्वेज कैनाल ये आपको दिख रही है, यहाँ पे देखो पहले ये वाला फिगर देखो, ये रेड सी दिख रहा, रेड सी में आपको मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा, जो मैं गोला बना रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा, इसी का मैं बड़ा रूप ऊपर वाली फिगर में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना सा हिस्सा जो है वो ये है, ठीक है, जितना मैंने गोला बनाया था ये पूरा हिस्सा इतना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में,
और कई बार पूछे हैं। आपको पोर्ट सईद का नाम याद रखना है, ठीक। स्वेज कैनाल का जो मुंह है वो पोर्ट सईद है, यहीं से एंट्री करते हैं जहाज़, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि ये रेड सागर में जाने से पहले, रेड सागर में ये एक स्वेज कैनाल यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये जो पतली स्ट्रिप दिख रही है वही कैनाल है, यहाँ के बाद तो रेड सागर आ जाता ना। तो इस कैनाल के बीच में, एक कैनाल के बीच में ये आपको लेक्स दिख रही होंगी, दो लेक्स, इसका नाम है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ग्रेट बिटल लेक। ये साइज में देखो, ये जो साइज है ये ग्रेट बिटल लेक का है, और छोटी सी ये जो लेक दिख रही है ये है लिटिल बिटर लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखना है। बिटर लेक पूछेगा मार देना, स्वेज कैनाल में है ये, ठीक है, स्वेज नहर में बनी, याद रहेगा। तो ये दो लेक याद रखना, ठीक। और आपको पोर्ट कौन कौन से याद रखना, मेडिटेरियन सी की एंट्री पे, स्वेज कैनाल की एंट्री पे पोर्ट सईद है, और जब एग्ज़िट करेंगे स्वेज कैनाल से तो आपको ये मिलेगा, कौन सा पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है पोर्ट बुरतौफिक। आप पोर्ट तौफिक से याद रखें, ठीक है, पोर्ट तौफिक याद रहेगा। यानी स्वेज कैनाल है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे जो पोर्ट है वो पोर्ट सईद है और यहाँ पे पोर्ट तौफिक है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर आप कर लेंगे। ये कौन सा विशाल मालवाहक जहाज था, एवर गिवन, आपने देखा भी फिगर में, एवर गिवन, ठीक। चलिए आंसर भी हो गया। 75 देखिए, गांधी शांति पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से कौन अवार्ड किया गया, अवार्डी कौन है बताइए, अवार्डी कौन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जी को मिला है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को, कहाँ के हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया डी, बहुत पैसा मिलता है इसमें, 1 करोड़ रुपये मिलता है प्राइज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 देखिए, कौन सा निकाय, कौन सी बॉडी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, NDMA की बात कर रहे हैं, NDMA 2005, NDMA सिर्फ याद नहीं रखना है, NDMA 2005 याद रखना है, पूरा नाम याद रखना है, 2005 तक भी याद रखना है, ताकि क्योंकि ये साल भी पूछता है, 21 साल ये एक्ट लाया गया था। अब इस एक्ट के तहत ये एक एजेंसी का निर्माण हुआ था, उस एजेंसी का नाम क्या है, ये लिखा है, समन्वय और निगरानी एजेंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी, यानी CMA, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी। अब आपको बता देना कि कौन सी बॉडी जो इंचार्ज में है, जो कोऑर्डिनेटिंग का काम करती है और मॉनिटरिंग का काम करती है, तो वही इस एजेंसी का नाम हो जाएगा, उसका नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ठीक। और जो होम सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, होम सेक्रेटरी इनके क्या होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो समझते हैं ना, पदेन जिसे बोलते हैं, ठीक, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 देखिए, पहला पॉइंट पढ़िए, कृषि उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है, बता देना कि प्रोडक्शन किसका जाना हो रहा है, चावल और ये गेहूँ और दाल और कपास के बारे में पूछा है, देख ले रहे हैं हम लोग। भारत में चावल का कुल वार्षिक उत्पादन पिछले 5 वर्षों में गेहूं की तुलना में लगातार अधिक रहा है, देखो चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल ही तो प्रोड्यूस हो रहा है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें, सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल, चावल में याद रखना, ठीक है। अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में कौन है, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक। ये हो गया पॉइंट, ये पहला पॉइंट सही है, चावल ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है गेहूँ की तुलना में। दूसरा पॉइंट देखिए, पिछले कुछ वर्षों में दालों का उत्पादन कपास से अधिक रहा है, तो ये पॉइंट गलत है, कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है दालों की अपेक्षा, तो पॉइंट तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये पॉइंट गलत लिखा है, बाकी इसमें हम लोग और क्या जान सकते हैं, इसमें जल्दी से बताइए, दाल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, कौन सा स्टेट है, MP, ठीक है, और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र मत मार देना, गुजरात है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी केवल 1 सही है। चलिए 78 देखिए, 21-22 के बजट में घोषित मित्रा योजना जो है वो किससे संबंधित है, मित्रा का फुल फॉर्म यदि आप याद कर लेंगे तो ये बना लेंगे क्वेश्चन को, मित्रा का फुल फॉर्म है, यहाँ पे आ जाइए सीधा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ये टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, यानी ये कपड़ों से संबंधित योजना है, ये सब उसी से संबंधित है। अभी आपने PLI स्कीम पढ़ी है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्ट
इंसेंटिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पढ़ा था ना हमने, पहला क्वेश्चन था आज, तो उसमें टेक्सटाइल भी एक था। हम लोगों ने 10 सब्जेक्ट ऐसे पढ़े थे, 10 क्षेत्र सेक्टर ऐसे पढ़े थे जिसमें PLI स्कीम लॉन्च होनी थी, तो उसमें से एक टेक्सटाइल भी था। तो कपड़े वाले को कौन सी योजना डील कर रही है? मित्रा योजना। और इस योजना का और क्या प्लान है? इसमें 7 आपको टेक्सटाइल पार्क इंस्टॉल करने, बनाने, स्थापित करने, ठीक है? टेक्सटाइल पार्क 7 याद रखना। UPSC पूछ लेता यार, ये नंबर ही पूछ लेता सीधा, कि मित्र योजना में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रावधान है। 7 ऑप्शन दे देगा, 7, 10, 12, 14 ऐसे। तो इसका आंसर बस निकल गया। चलिए 79 देखें, मैचिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से बने। ये जो विश्वेश्वरैया साहब थे इनको तो पता हुआ, इंजीनियर साहब थे, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, इंजीनियर होके भी इकोनॉमिक्स थे। इनकी एक बड़ी फेमस किताब भी थी, इन्होंने लिखी थी द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मुझता इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? विश्वेश्वरैया साहब ने। और ये जो प्लान था ये 1934 का था, ठीक, 1934। बॉम्बे प्लान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी, आर्थिक विकास की बात की गई थी, इसमें सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि ये जो बात थी वो 1944-45 थी। और यही जो 8, 9, 10 लोग थे, बड़े बड़े घराने के लोग थे, कॉरपोरेट हाउसेस के जो लोग थे, वही कुछ कर सकते थे। कुछ का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये लोग बहुत बड़े स्तर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकते थे, ठीक है? तो इसका समय हम लोगों ने जाना 1944-45 के समय। सर्वोदय योजना के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। जय प्रकाश नारायण साहब ने इस योजना को बनाया था 1950 में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1950। और पीपल्स प्लान जो बनाया था वो M.N. रॉय साहब ने, M.N. रॉय साहब समझ रहे हैं ना, रॉय साहब। और ये इनके बारे में बोला जाता है कि ये मार्क्सवादी सोशलिस्ट जो हैं उनके बहुत बड़े समर्थक थे। तो ये 1945 की बात है, तो अब मैच हो जाएगा ना। तो सबसे पहले कौन सी आई? 1934 वाली, फिर 1944, फिर 1945, फिर 1950। यानी 1950 को सबसे बाद में मार देना सर्वोदय को, तो सबसे बाद में यही ऑप्शन दिख रहा, सेकंड ऑप्शन, तो ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए 80 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आसान है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात केंद्र कितने हैं? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सेंटर कितने हैं? पहले ये बताइए कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने कल के पेपर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं यूपी में। एग्रो क्लाइमेट जोन जल्दी से बता दीजिए, एग्रो क्लाइमेट जोन यूपी की बात करें तो कितने थे? 9 थे। अगर पूरे इंडिया की बात करें, तो कितने थे? 15 थे, ठीक है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सेंटर पूछे हैं, कृषि निर्यात केंद्र। तो यूपी में देखो, आपको याद रख लेना, 3 कृषि निर्यात केंद्र हैं। पहला लखनऊ, ये मैंगो के लिए है, ठीक है, मैंगो के लिए। मैंगो लखनऊ के आसपास एक जगह है, वहाँ बताइए, मैंगो के लिए प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है वो। मलिहाबाद का नाम याद आ रहा? मलिहाबाद, यहाँ के आम बड़े फेमस हैं, ये लखनऊ के पास है। दूसरा जो एक्सपोर्ट सेंटर है, एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट सेंटर है वो है सहारनपुर, ठीक है, ये भी मैंगो के लिए है। और तीसरा है आगरा, ये किसके लिए? पोटैटो के लिए। बुलंदशहर एक्सपोर्ट सेंटर नहीं है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट सेंटर नहीं है, तो आंसर बी हो गया, नहीं बताना है ना। चलिए 81 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी? शारदा नहर है, ठीक है। 82 देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, देखो बुक से एक क्वेश्चन आने आना है। यहाँ पे पुस्तकों के नाम भी हैं और कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, सिद्धांत भी हैं। जैसे बिग पुश थ्योरी जो है वो बुक का नाम नहीं है, वो प्रिंसिपल का नाम है, ठीक। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ये किताब तो हम लोगों ने अभी पढ़ी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अभी पिछला ही क्वेश्चन था, किसने लिखा था? विश्वेश्वरैया साहब ने लिखा था ना, ये चौथे बी का 4 हो गया, तो बी का 4 तो खैर 3 में है, आसान था देखो, इसलिए 3 ऑप्शन में 4-4 दे दिया। बाकी कैपिटल एंड ग्रोथ, इसको हम लोग देखते हैं, कैपिटल एंड ग्रोथ किसने लिखी है, जल्दी से आ जाइए। देखो कैपिटल एंड ग्रोथ जो बुक है वो किसकी है? जॉन हिक्स की है, ठीक है, जॉन हिक्स, याद रखेंगे नाम। चलिए तो यहाँ पर जॉन हिक्स दिख रहे हैं आपको, पहला ही ऑप्शन है, ए का बन है, ठीक है, ए का बन हो गया और बी का 4 हो गया। बिग पुश थ्योरी जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, एक इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है, जो किसके द्वारा दिया गया है? एडम स्मिथ साहब द्वारा, ठीक। तो सी का क्या हो गया? सी का 2 हो गया,
सॉरी 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 यार, बिग पुश थ्योरी एडम स्मिथ नहीं, रोडान साहब हैं, रोडान साहब हैं। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ, सॉरी माफ़ करना। बिग पुश थ्योरी जो प्रिंसिपल है वो A.R. रोडान साहब का था। ठीक, बिग पुश का मतलब समझ रहे हो, बिग का मतलब तो समझ रहे हो ना, बड़ा, बहुत बड़ा, और पुश का मतलब एक एक क्या करना, एक बूस्ट देना। तो इन्होंने इन्होंने बेसिकली बताया क्या था, ये कहते थे रोडान साहब कि आप इकोनॉमी में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को बूस्ट बहुत स्लोली करता है, लेकिन आप बिग पुश करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी में, तो बूस्ट बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, तो इसी में कुछ इसी तरीके का बताया है। तो बिग पुश थ्योरी जो है वो रोडान साहब की थी, और वेल्थ ऑफ नेशन आपको पता है एडम स्मिथ साहब की थी। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा ना। तो इसका सी का क्या हुआ, सी का 3 हो गया, और ये कौन सा बचा, मतलब 1432 इसका कोड हो गया, 1432 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, चलिए 83 देखिए, ये जस्ट फैक्ट है, याद रखना है, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड इम्पोर्टेंट है, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, यह है नई दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली। ठीक, कुछ जो बोर्ड हैं आपको याद होना चाहिए वो याद रख लीजिए, जैसे रबड़ बोर्ड है, रबड़ बोर्ड जो है वो केरल में है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, जैसे आपका टी बोर्ड है जो चाय का बोर्ड है वो कहाँ पे है, वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक, कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे, ये कर्नाटक में है, ये याद रखना। तंबाकू बोर्ड भी है, तंबाकू बोर्ड जो है वो कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में है। मसाला स्पाइस, स्पाइस बोर्ड जो है, मसाला बोर्ड जो वो कहाँ पे होगा, मसाला कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, केरला में। ठीक है, तो ये बोर्ड याद रखना इतना। 83 का सी हो गया, चलिए 84 देखिए, 84 देखना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो योजना की बात करें, पहले हम लोग टाइप ऑफ योजनाएं देखते हैं, योजनाएं होती किस तरह की हैं। देखो दो तरह की योजना है, पहला योजना है CSS, आपको जानना है CSS क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, याद रहेगा। और दूसरी स्कीम है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में लिखूंगा तो कुछ CSS उसका भी कोडिंग बन गया जाएगा, सेंट्रली सेक्टरल, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, लेकिन आप उसको CSS ना लिख के ऐसा लिखिए, केंद्रीय क्षेत्रक, केंद्रीय क्षेत्रक, ठीक है, क्षेत्रक योजना। तो आपको दूसरी योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजना के नाम से जाननी है, और पहली योजना जाननी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना। आप इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, दूसरी वाली को देखिए जो सेक्टर, जो केंद्रीय क्षेत्र की हैं, इसका मतलब है कि ये योजनाएं जो हैं इनको डेवलप करने वाला कौन है, डेवलप करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनको पता कैसे चलता है केंद्रीय, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो यूनियन लिस्ट में लिखी हैं, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 97 है ना, आप लोग बताना एग्जैक्ट कितने हैं, 97 है या 96 है, क्योंकि घटते बढ़ते भी रहते हैं ना, तो लगभग 97 है, आप लोग हमें बताना कमेंट करके कितना है। तो 97 सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में भरे पड़े हैं, उन्हीं उन्हीं सब्जेक्ट पे तो काम करेगा, काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है वो इसी यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट रहता है, पहली चीज़ इस योजना के बारे में पहली चीज़ क्या जाने कि ये यूनियन लिस्ट का भाग रहता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या जानना है कि इन योजनाओं का जो एग्जीक्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, किसका, केंद्रीय क्षेत्र की योजना का, क्लियर। एग्जीक्यूशन कौन कर रहा, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है। इसके बारे में सीखे हम लोग दो पॉइंट, अब इसके बारे में आ जाइए केंद्र प्रायोजित योजना जो है, चूंकि केंद्र ने, देखो सेंटर ने इसको क्या किया है, प्रायोजित किया है, स्पॉन्सर्ड किया है, तब तो भाई आपको मिल के काम करना पड़ेगा, सेंट्रल सेंटर को मिल के काम करना पड़ेगा किसके साथ, स्टेट को, या स्टेट को मिल के काम करना पड़ेगा किसके साथ, सेंटर के साथ। ठीक है, दूसरी चीज, इन प्रायोजित योजना को जो सब्जेक्ट होगा वो यूनियन लिस्ट का हो सकता है, यूनियन लिस्ट का भी हो सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट का भी हो सकता है। ठीक, चूँकि केंद्र इनको स्पॉन्सर्ड करता है राज्यों के लिए, तो भैया काम करने का जो एग्जीक्यूटरी जो बॉडी है, या जो कार्यान्वयन करना है वो राज्यों को करना है, एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन किसको करना है, राज्यों को। ठीक, जिम्मेदारी राज्यों की है इनको लागू कराना, इन इन योजनाओं पे काम कराना। अब ठीक है, अब हम लोग जल्दी से पॉइंट पढ़ लें, अब समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी ये CSS की बात कर रहे हैं, तो CSS के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, ये सेंटर स्टेट के लिए होता है, मतलब इनमें दोनों लोग काम करते हैं,
यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट हो सकता है, और एग्जीक्यूशन कौन करता है, राज्य करते हैं। तो इसमें लिखा है केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती हैं। ये कहाँ होती है, तो केंद्रीय क्षेत्र वाली हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लेना, मतलब यहाँ पे हम लोग तो सीख तो लिए हैं ना, डेवलप कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब डेवलप सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, इसका मतलब है वो फुल्ली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली केंद्र प्रायोजित योजनाओं की नहीं है, ये जो उल्टा लिखा है। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं जो हैं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है, जबकि राज्य केवल कार्यान्वित एजेंसियों के रूप में कार्य करता है। ये गलत है, ये उल्टे लिखे हैं, दोनों उल्टे लिखे हैं, ठीक है, दोनों उल्टे लिखे हैं। CSS का काम क्षेत्रक में लिखा है और क्षेत्रक का काम CSS में लिखा है, ठीक है। अब मिला लेंगे ना, मतलब ये दोनों गलत हैं, और हम लोगों ने इतना तो सीख लिया ना यहाँ पे, तो इसको पढ़ लेना एक बार, जल्दी से आ जाएगा। 85 देखिए, इकोनॉमिक सर्वे द्वारा बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, देखो ये नई चीज़ आई है, वेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स हैज़ बीन मैंसनड बाय इकोनॉमिक सर्वे, कौन से इकोनॉमिक सर्वे में ये मैंसन किया गया। अब यहाँ पे बुनियादी आवश्यकता लिखी है, तो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ क्या है भैया, खाना है ना, खाना है, थाली है, खाने की थाली है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इंडेक्स है, वो थाली नॉमिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। एक नया शब्द है थाली नॉमिक्स, ये जो हिंदी शब्द है ये इंग्लिश वर्ड है, ये वाला इंग्लिश वर्ड है थाली नॉमिक्स। तो इस इंडेक्स से हम लोग क्या जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में कितना भोजन की पहुंच है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी कितनी है, वो सब हम लोग यहाँ से देख लेंगे, इस इंडेक्स की सहायता से पता चल जाएगा। और ये लॉन्च हुआ अभी 2021 में हुआ, ठीक, 2020-21 में, ठीक है, आगे बढ़ें। 86 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक पे तो एक क्वेश्चन आने ही आना है, पुस्तक को लेखक से जल्दी से मैच कराना है, और इनको अभी एक नज़र में जल्दी से पढ़ लीजिए, और हम लोग इमेज देखने वाले हैं। बैटल 84 21 सेंचुरी, नेम्स ऑफ वुमेन, एडवांटेज इंडिया, बेस्टो, और लास्ट माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। देखिए यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ी ट्रेन की आवाज़ आती है, प्लीज़ उससे डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इमेजेस देख लेते हैं और हम लोगों को याद रहेगा, आइए देखते हैं। देखिए ये देखिए आप यहाँ पर देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, दिख रहा है ना आप लोगों को। देखो पहली किताब का नाम था नेम्स ऑफ द वूमेन, ये किसने लिखी है, ये जीत थाइल साहब की है, जीत थाइल साहब की। दूसरी किताब है बैटल रेडी फॉर द 21 सेंचुरी, बैटल रेडी फॉर द 21 सेंचुरी। देखो किताब के नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये लिखने वाले जो होंगे वो हो सकता है कौन होंगे, आर्मी के लोग होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, लेफ्टिनेंट होंगे, कर्नल होंगे, ये सब ब्रिगेडियर लोग होंगे। पर ज़रूरी नहीं होता है कि अगर बैटल है तो लिखने वाले भी बैटल से ही संबंधित लोग होंगे, पर एक पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है। तो देखो ये किसने लिखा है, AK सिंह और नरेंद्र कुमार ने। AK सिंह जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, और नरेंद्र कुमार जो हैं वो ब्रिगेडियर साहब हैं, ठीक, आर्मी में। तो याद रखना ना हम लोगों को नाम। चलिए तीसरी बुक देखिए, तीसरी बुक थी एडवांटेज इंडिया, लिखा था ना एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किसने लिखी है, आनंदिया दत्ता ने, ठीक है। और चौथी बुक जो है वो, उस बुक का नाम बताइए, द एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस लिखा था ना, वो इन्होंने लिखी है, इनको तो आप जान रहे होंगे, ये तो एक्टर हैं, इनका नाम क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, समीर सोनी नाम है ना इनका, समीर सोनी। चलिए अब क्वेश्चन पे चलें, अब जल्दी से हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये है, आइए क्वेश्चन पे आइए वापस, अब जल्दी से मिला लिए। बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी कौन था, AK सिंह थे ना, तो ए का 4 हो गया। नेम्स ऑफ वुमेन, देखो सुमेलित है सुमेलित नहीं है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम चार सीख तो लें। नेम्स ऑफ वुमेन जो हैं वो किसने लिखी थी, जीत थाइल साहब ने। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इंडियन टेनिस, टेनिस से है तो ये भूपति साहब मत लगा देना, ठीक है, मतलब ऐसा ना कौन मतलब सेंस लगा देना कि टेनिस है तो ये भूपति साहब टेनिस से रिलेटेड हैं, खिलाड़ी हैं टेनिस के, तो ऐसा मत लगा देना। ये किसने लिखी थी, ये दत्ता साहब ने लिखी थी ना, जो अनमैच्ड है, यहाँ पे ये महेश भूपति नहीं होना चाहिए था, तो ये तो अनमैच्ड है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये भी अनमैच्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में सुमेलित बताना है, तो एक ही होगा सुमेलित, और सुमेलित कौन सा है, बी ऑप्शन, नेम्स ऑफ वुमेन जो है वो जीत थाइल साहब ने लिखी है। समीर सोनी साहब की तो ये है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ठीक है, ये समीर सोनी साहब की थी, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 87 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की बात कर रहे हैं, आपको इसके बारे में जितना हो सके उतना जान लेना चाहिए।
सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महानिदेशक का कार्यभार अभी किसने संभाला, तो वो हम लोग जान ले रहे हैं, ये अजय माथुर साहब हैं, इम्पोर्टेंट है अजय माथुर साहब हैं। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बताइए, गुरुग्राम में, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है हेडक्वार्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इतनी बड़ी संस्था का हेडक्वार्टर अपने इंडिया में, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका इसकी जो शुरुआत की थी, इस एलियांस की जो शुरुआत की थी वो इंडिया और फ्रांस ने ही की थी ना, इसलिए हेडक्वार्टर तो या तो फ्रांस में होना बनता है या फिर इंडिया में, इंडिया फ्रांस में ने साथ में मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक, और ये 2015 में, ठीक है, 2015 में। ये बताइए एक कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी जैसे COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है वो कौन से नंबर का था जल्दी से बताइए, पेरिस में हुई थी, पेरिस में कौन सी COP हुई थी, उसी में ये लॉन्च किया गया था ये अलायंस। चलिए आगे बढ़ें, आंसर तो निकल आया ना, आंसर देखिए 88, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में स्थान बताना है, इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है, ये 139, 140, 141 इसी के अराउंड ये घूमता रहता है, ठीक है, हर साल, तो अभी किस कितना है, 139 है, ठीक है, खुशहाली में, तो हम लोग खुशहाल तो बिल्कुल है ही नहीं, हम लोग तो दुखहाल हैं, ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग 139 है, और सबसे जो खुश देश है वो कौन सा है, फिनलैंड, फन से याद रखना है यहाँ पर, फन लोग बहुत करते हैं, फन से याद रखना, बहुत खुश हैं फिनलैंड, ठीक है, तो ये 2021 का था, ठीक है, और 140 ये 2019 में 140 था। चलिए आगे बढ़ें, 88 89 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में PI, ठीक है, PI मीन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SHI, ये क्या है हमने ज़्यादा खोजा नहीं, ठीक है, आप लोग चाहो तो नेट पे देख सकते हो, मुझे नहीं पता है SHI क्या है और ये PI क्या है, ठीक, ये जो प्रतियोगिता हुई निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता, आंसर सिंहराज है, ठीक, आंसर सिंहराज है, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। चलिए 90 देखिए, हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंक कौन सी है, देखो इंडियन इंडियन मिलिट्री, तो हमारा स्थान जो है वो चौथा मिला है, ठीक है, सबसे बड़ी चौथी चौथी सबसे बड़ी हम लोग मिलिट्री हैं, तो ये पहला कौन सा है, तो पहला कौन है, चाइना, ठीक है, दूसरा USA, तीसरा रसिया, और चौथे पे हम लोग हैं, ठीक है, चौथे पे हम लोग हैं, 90 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 देखिए, निम्नलिखित संगठनों में से कौन वाशिंगटन सर्वसम्मति से संबंधित है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड टू द वाशिंगटन कंसेंसस, जल्दी से बता दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़े होंगे कई बार आप लोग, वाशिंगटन सर्वसम्मति से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, वर्ल्ड बैंक आता है, ठीक है, IMF आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ये US ट्रेजरी आता है, ठीक है, तो 1, 2, 4 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है, तीसरा नहीं है, और इनका इनका विज़न क्या था, वाशिंगटन सर्वसम्मति जो हुई थी इनका विज़न क्या था, कि हम लोगों को विकासशील अंडर डेवलप जो देश हैं या फिर डेवलपिंग स्टेज में जो देश हैं उनकी हेल्प करना था, तो हेल्प कैसे करोगे, इन सब संस्थाओं के माध्यम से करोगे, इन सब संस्थाओं के माध्यम से करोगे, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो 1, 2, 4 इसका आंसर है। 92 देखिए, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, वैसे 90 तक करने थे हम लोगों को, 91 कर लिए, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, अभी हम लोग कल मॉर्निंग में 91 से 120 कर लेंगे, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।